हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल दोनों साबन में। और आज की वीडियो में हम सभी से बात करने वाले हैं सैमसंग के एक नए लॉन्च हुए डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस। तो इसमें क्या आपको अच्छा मिलता है, क्या आपको बुरा मिलता है, क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, साथ ही साथ हम थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर सैमसंग J6 प्लस के बारे में भी कर लेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज का पूरा वीडियो। और एज इज वेल, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि भैया जी, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर देखो आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा, तो उसे आप सिंपली दबाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ टंग 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 घंटी को बजा देना। तो सैमसंग ने अपना एक और फोन लॉन्च कर दिया है और वो एक ब्लेंडर वाला फोन है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस। इसमें आपको क्या मिलता है, क्या अच्छा मिलता है, तो अच्छा को फिलहाल मैं रख देता हूँ साइड में और आपको क्या बुरा मिलता है उसको ले लेता हूँ सामने। तो यहाँ पर अच्छा जो मिलेगा वो आपके नज़र में आएगा भी नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके रैम के बारे में। इसमें आपको यहाँ पर 2 GB का रैम मिलता है। 11,000 वाले फ़ोन में आपको यहाँ पर 2 GB का रैम मिलता है, साथ में 32 GB का यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज मिलता है। रैम 3 GB होता तो शायद और भी बढ़िया होता। तो 2 GB और 32 GB का आपको ऐसा वेरियंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप इसको मेमोरी कार्ड लगा के 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है। तो ये एक बढ़िया बातें हैं, ये अच्छी बात है कि सैमसंग में यहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड आपको स्लॉट दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको मिलता है 6 इंच का HD प्लस वाला डिस्प्ले, जिसको सैमसंग कहता है इन्फिनिटी डिस्प्ले। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर आपको मिल जाता है 73.94%। मतलब आप सोच सकते हो बेजल्स कितने चौड़े हैं, कितने मोटे हैं। और ये डिस्प्ले आपका एक TFT डिस्प्ले है, इसे AMOLED डिस्प्ले समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मतलब डिस्प्ले में भी यहाँ पर कमी दी गई है। और ये आपका HD प्लस डिस्प्ले है, फुल HD समझने की भी इसे गलती मत करना। तो डिस्प्ले के मामले में भी ये नीचे जा रहा है, खाली बड़ा वाला डिस्प्ले दिया है और कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता आपको। अब बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो पीछे के साइड में यहाँ पर आपको 13 MP का कैमरा मिलता है और एक ही कैमरा मिलता है, 2 कैमरा यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। तो 13 MP का आपको कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर है f1.9। कैमरा अच्छा ही होगा, ख़राब नहीं होगा, आपको अच्छा फोटो कैप्चर करके ये देने वाला है। पीछे की साइड आपको फ्लैश भी मिलता है। और अब बात करते हैं सामने की तरफ। तो सामने की तरफ आपको यहाँ पर 5 MP का कैमरा मिल जाता है, जिसका अपर्चर है f2.2। और यहाँ भी आपको फ्लैश देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह नहीं मिलता है। आप यहाँ पर फेस अनलॉक को काम में ले सकते हैं, पर आपके फ़ोन को ये कितने देर में अनलॉक करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा रही है। तो अब करते हैं इसमें जो सबसे ब्लंडर वाला जो मेन थिंग है वो क्या है भैया जी। इसमें जो प्रोसेसर, जो चिपसेट काम में लिया गया है वो स्नैपड्रैगन का 425। अब आप बोलो क्या 11,000 के फ़ोन में स्नैपड्रैगन का 425 देना चाहिए? भाई ये 5-6 हज़ार वाले फ़ोन में ये दिया जाता है स्नैपड्रैगन 425। आप दे रहे हो 11,000 वाले फ़ोन में, आप दे रहे हो 16,000 वाले फ़ोन में स्नैपड्रैगन 425, जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है जिसकी क्लॉक स्पीड है 1.4 GHz। आप उसे दे रहे हो 11,000 और 16,000 वाले फ़ोन में। भाई अगर दूसरी कंपनी यहाँ पर नहीं आता तो आप सोचो कि सैमसंग वाले क्या करते तब। मतलब प्रोसेसर को वो कितना महंगा बेचते आप सोच लो। स्नैपड्रैगन 425 को यहाँ पर 11,000 16,000 में बेच रहे हैं, स्नैपड्रैगन 450 को 19,000 22,000 में बेच रहे हैं। तो फिर तो यहाँ पर आपको बहुत ही घटिया प्रोसेसर मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन 425 जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है, वो 1.4 GHz क्लॉक स्पीड पे ये काम करता है। तो प्रोसेसर यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है आपको। यहाँ पर आपको 3300 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो बैटरी देखा जाए तो चलिए बैटरी को हम ठीक ठाक मान सकते हैं, 3300 mAh आपको ठीक ठाक वन डे बैकअप आपका दे देगा। और क्या, सारी बातें तो हो गई। यहाँ पर आपको यहाँ पर GPU भी मिल जाता है, एंड्रीनो का यहाँ पर 308 वाला GPU मिल जाता है। मतलब GPU में भी यहाँ पर कम दिया गया है। भाई प्रोसेसर कम तो GPU तो ऑटोमेटिक कम होगा ही। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ओरियो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड 8.1 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ अच्छा लगा इस फ़ोन में? क्या अच्छा लगा भाई? भाई बड़ा वाला फ़ोन है, 6 इंच का डिस्प्ले है,
ये अच्छी बात है, और कुछ तो अच्छी नहीं है इसमें, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। 6 इंच का आपको डिस्प्ले मिल रहा है, पर सैमसंग का डिस्प्ले है तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये एमोलेड डिस्प्ले है, बहुत अच्छा पिक्चर क्वालिटी देगा वगैरह वगैरह। तो ये TFT डिस्प्ले है तो डिस्प्ले भी उतना अच्छा नहीं है कि डिस्प्ले को के नाम पे आप फ़ोन बेचोगे। कैमरा एक ही कैमरा दिया गया है तो कैमरा सेगमेंट में भी ये फेल जाता है। और अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात यहाँ पर की जाए तो फ़ोन बेकार ही बेकार है भाई। ये प्रोसेसर, ये चिपसेट भाई, सैमसंग क्या करते हो यार, एक अच्छी जगह है सैमसंग की लोगों के दिमाग में और वो भी बरकरार यहाँ पर नहीं रख पा रहे हैं। अब सैमसंग यहाँ पर क्या करता होगा, ऑफलाइन में ही इसका सारा डिवाइस यहाँ पर सेल होता है, J4+ भी ऑफलाइन में ही सेल होगा, तो वहाँ पर लोगों को बुड़बक बनाया जाता है। देखिए इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। अब स्नैपड्रैगन का कौन सा वाला प्रोसेसर है ये तो लोगों को नहीं बताते और लोग समझते भी नहीं है भाई। ऑफलाइन मार्केट में वो ले लेते हैं, पर सैमसंग के नाम से उन्हें चिपका दिया जाता है। तो भाई आप गलती से भी ये वाला फ़ोन मत लेना, गलती से भी नहीं, क्योंकि अगर आप लोगे तो आपको रोना पड़ेगा। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी J6+ के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी J6+ में आपको लगभग सेम टू सेम सारा चीज़ सैमसंग J4+ वाला मिल जाता है। खाली उसमें आपको रैम 4GB का दिया गया है, स्टोरेज 64GB का दिया गया है। पीछे के साइड में आपको 13+5 डुअल कैमरा मिल जाता है, सामने की तरफ आपको 8MP कैमरा मिलता है। और ओवरऑल सब चीज़ यहाँ पर दिया गया, खाली आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर मिल जाता है जो कि आपका साइड में मिलता है। ये एक बढ़िया चीज़ है कि साइड में यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, तो ये एक बेहतर चीज़ है, अदरवाइज कुछ भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हो एक नया फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फ़ोन जो कि आपका साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, कोई ढूंढ नहीं पाएगा आपका सेंसर किधर है, तो आप फिर सैमसंग गैलेक्सी J6+ यहाँ पर ले सकते हो, अदरवाइज मत लेना यार। इस पैसे में आप बढ़िया फ़ोन ले सकते हो। प्रोसेसर कितना गंदा दिया है आपने सोचा है कभी? अगर आप थोड़ी बहुत भी गेम खेलते हो, अगर थोड़ा बहुत भी मल्टीटास्किंग करते हो तो आप गलती से भी ये फ़ोन मत लेना। भाई स्नैपड्रैगन 450 दे रहे थे तो उससे भी नीचे उतर गए भाई ये लोग, स्नैपड्रैगन 425 क्वाड कोर प्रोसेसर देने लगे। अब फिर भी अगर आप सैमसंग के भक्त हो, अगर आप किसी के नहीं सुनोगे, सैमसंग ही चाहिए, तो आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहीं से आप परचेज कर लो बस, फिर ले लो और मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। तो बस मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि अगर कोई सोच रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी J4+ हम ले लेते हैं, क्या हमें लेना चाहिए, अगर किसी के मन में ये सवाल आता है तो आंसर हमेशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये फ़ोन ले लेते हो तो आपको कोई अच्छा नहीं बोलेगा, खाली सैमसंग लवर्स ही अच्छे बोलेंगे, अदरवाइज़ फ़ोन में कुछ भी अच्छा नहीं है भाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर दे, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि लोगों का भ्रम यहाँ पर सैमसंग का प्यार से यहाँ पर दूर हो और वो एक बढ़िया सा फ़ोन ले सके। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जी यहाँ पर आपको रेड बटन दिख रहा होगा, वो दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ घंटे को भी बजा देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।